अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीपक पुत्र कहाँ है तू? हमारे बीच जो भी कहा सुनी हुई है ना पिछले कुछ दिनों में, जो भी मनमुटाव हुए वो सब भूल जा, एक बार मेरे सामने आ जा। आज तो मैं तेरी नजर उतारना चाहती हूँ। तुझे नहीं पता कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आज तूने लोगों के सामने मेरा सर फख्र से और ऊंचा कर दिया। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचा, जिंदा रहे। लेकिन दीपक तुमने ये सब किया कैसे? मैंने नहीं, कला ने किया। और इसी की वजह से हम सब लोग आज अपने घर में वापस खड़े हैं। क्या है ये सब? और तू तू इस घर में आई कैसे? कला, सच सच बता कला, क्या किया तूने? कोई गलत काम किया ना? सच सच बता कला, वरना वरना क्या? वरना क्या? देखती थी जिनके सर पर छतनी होती ना, उनके मुंह से धमकियां नहीं अच्छी लगती हैं। और क्या बड़े चौड़ में आई थी मुझे देवरानी और जेठानी का रिश्ता समझाने ना? देख क्या नौबत आ गई है, रिश्ता बदल के हो गया है मालकिन और नौकरानी का। जिसमें मालकिन मैं और तू नशे करके आई है क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तू मालकिन इस घर की? क्या हो गया है कला? बताओ, बात ना किस्मत की है। और इस वक्त मेरे सितारे तो काफी रोशन नहीं। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, लगता है आंटी जी शौक में है। दीपक पानी मंगवाओ ना। आंटी जी जब आप शौक से बाहर आ जाइएगा ना, तो बस वो जो चाबियां है ना वो मुझे देने की तकलीफ कर लीजिएगा, क्योंकि मालकिन तो अब मैं हूं।
दालचीनी सही कह रही है। नशे करके आई है क्या? सस्ते वाले खिंचा के उल्टे हाथ का ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि शक्ल का नक्शा बदल दूंगी। तेरी औकात है इस घर का एक भी ईंट खरीदने की? सर से पांव तक हमारी खैरात में लिपटी है तू, बस और नहीं। तुझे पता है तेरी जैसी आस्तीन के सांप को तो खैरात भी नहीं मिलनी चाहिए, तो उस लायक भी नहीं है। और सुन, ये जो तूने हार पहना है ना वो मेरा है, और अब मैं तुझे अपनी औकात दिखाती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हार पहनने की? ये हार मैंने अपनी बहू को दिया था, वापस दे मेरा हार। नहीं, मैंने कहा वापस दे। रिश्ते का लिहाज कर रहा हूं ताई जी, बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। कला बीवी है मेरी, उस पे हाथ उठाने की गलती आप एक बारी कर चुके, दोबारा ये गलती मत करिएगा। दीपक, क्या बदतमीजी है ये? कैसी बदतमीजी दारजी, और क्या गलत कहा कला ने? जिस इंसान ने बैंक से हमारा घर, हमारी फैक्ट्री छुड़ाई है, उसी ने जिम्मेदारी दी है मुझे और कला को, इस घर की और फैक्ट्री की। और मैंने कला से वादा किया था कि उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगा और खुशियां दूंगा, और इसीलिए मैंने सारे फैसले कला के हाथ में छोड़ दिए। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9:30 बजे। तुझमें ऐसा देखा क्या उस आदमी ने? कौन सी काबिलियत देख ली जो हमें आज तक नहीं दिखाई दी कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा घर तेरे हाथ में सौंप दी? शायद वही ताई जी जो आज तक आप लोग नहीं देख पाए, ये पूरा परिवार नहीं देख पाया कि मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है जो भाई के अंदर है। और मैं भी हर उस चीज के काबिल हूं जो भाई को मिली है। लेकिन दीपक, वो आदमी है कौन जिसने हमारा घर और हमारी फैक्ट्री खरीदी है? कौन है वो? मैंने। कॉमन लेकिन काम लाखों में एक। करण नाम है मेरा। टू मीट यू दालचीनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगा।
सो फाइनली अब हम मिलेंगे, सो लेट्स हैव सम फन। चाबियां। मैं जानता हूं कि आप सबको इस घर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग इस घर से कहीं जाएं या मैं आपको निकालूं। इसीलिए आप लोगों का जब तक मन करे, जब तक आप लोगों की मर्जी हो, आप इस घर में हमारे साथ रह सकते हैं नौकर बन के। दूसरों का हक छीनना, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अरे आपसे मिलना दिली ख्वाहिश थी, मिस्टर परम ढिलों की सुंदर बीवी यानी कि परम सुंदरी। नहीं, मेरी माँ ने दूसरों का हक छीनना नहीं सिखाया, उसके लिए तो आप जैसी मां चाहिए ना। कोई भी तुम्हारा नौकर बनकर इस घर में नहीं रहेगा। इस परिवार के हर सदस्य के रगों में खुददारी दौड़ती है। हम गरीबी में जी लेंगे लेकिन अपने इज्जत के साथ समझौता नहीं करेंगे। चलिए मां। पापा जी। दर्शनी, दर्शनी क्या हुआ? डैड, डैड, अरे ओपन करो जल्दी, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी प्लीज। क्या हुआ परम जी को और ये सब कैसे हो गया बेटा? पता नहीं मॉम, डैड ने घर का सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके बाद एकदम से उन्हें अटैक आ गया, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ अचानक। क्या था उस सीसीटीवी फुटेज में? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या था उसमें ऐसा। हाँ लेकिन अभी पापा जी कैसे हैं? डॉक्टर जी ने क्या कहा? डॉक्टर सभी कुछ क्लियर बता नहीं रहे, बस उन्होंने इतना कहा है कि डैड की तबीयत सीरियस है। ये सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं हमारे परिवार पर? मुझे पता उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा। एक्सक्यूज मी, आप दिखाएंगे प्लीज वो फुटेज? ये देखिए मॉम। इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। डोंट यू वरी मिसेस परम सुंदरी, आपके पति मरे नहीं है अभी। हाउ डेयर यू, हु द हेल इज दिस मैन मॉम? तुम्हारे घर और तुम्हारी फैक्ट्री का नया मालिक करण। वैसे आप लोगों के पास इलाज के लिए पैसे हैं? नहीं ना। वैसे मैं अपने नौकरों को एडवांस सैलरी भी देता हूं, तो आप बताइए नौकर बनने के लिए रेडी हैं आप लोग? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की, और तू हमें हमारे घर में नौकर बना के रखेगा? तू जानता नहीं हमारी पहुंच कहां तक है। यार मैं बोर हो गया हूं एक ही चीज समझा समझा के। मिसेस परम सुंदरी जी प्लीज एक्सप्लेन है। बेटा ये वो आदमी है जिसने हमारा घर खरीद लिया है और हमारी फैक्ट्री भी खरीद ली। सारी पावर इसने दीपक और कला के हाथ में देती, और इसकी शर्त यह है कि अगर हम घर में रहना चाहते हैं तो हमें नौकर की हैसियत से रहना पड़े।
मॉम क्या बोल रही है? हाँ, मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे क्यों दी, पर तू कैसे भूल गया? तू हम सबको, हमारी परवरिश को, हमारे प्यार को हमारे खिलाफ हो गया, नौकर बनाएगा तू हमें घर में? यही तो प्रॉब्लम है भाई, इस परिवार ने मुझे आज तक हर चीज सिर्फ और सिर्फ खैरात में दी। उस घर में जो कुछ भी है वो जितना आपका है उतना मेरा भी तो है ना, मैं भी तो उस घर का छोटा बेटा हूँ, हर चीज पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है तेज भाई। गलत बोल रहे हो तुम दीपक, काश आज बीजी बोल पाती तो वो बताती तुम्हें कि उन्होंने कभी भी तुम दोनों पोतों में ना कभी फर्क नहीं किया, और जितना मैं तेज सर जी को जानती हूँ ना, सगे भाई से बढ़कर तुमसे प्यार करते। और रही बात पापा जी की, तो हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा सख्ती बरती है और उनके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा भलाई ही रही है, कभी भी उन्होंने तुम्हें हैप्पी चाचू की कमी महसूस होने दी, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि चाचा हम सबसे दूर है। और तुम क्या कर रहे हो दीपक, जब तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, ये सब कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो दीपक, और ये जानो कि कौन अपना है और कौन पराया। सिर्फ जरूरतें पूरी होने से कोई अपना नहीं हो जाता है भाभी। आज जब बात आप लोगों की नौकर बनने पे आई तो आपको अपनी शान पे दाग लग रहा है, और इतने सालों तक जो आप लोगों ने मुझे मेरे ही घर में नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, उसका क्या? दीपक, हो क्या गया है तुझे? क्या बोले जा रहा तू ये सब कुछ? किसने तुझे नौकर बना दिया? कौन? छोड़ मेरे बेटे का। अच्छे बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं, आज मेरे बेटे की जिंदगी में अच्छे दिन क्या आ गए? तुझे बहुत चलन हुई तेज, रत्ती भर भी ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी, अपनी बहू के रूप में मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज आज इसने मेरे बेटे को उसी के घर में सालों पुराना हक वापस दिलाकर ये साबित कर दिया कि मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही थी। आज से मैं तेरे साथ हूँ। अब हमारा यहाँ क्या काम है दीपक? हमें तो चलना चाहिए ना, चल हम घर चलते हैं। पर ये लोग जब अपनी किस्मत के साथ समझौता करना सीख जाएंगे ना, तो आ जाएंगे अपने आप पीछे पीछे। चलो दिव्या, तू मेरी छोटी बहन है इसलिए तुझे यहां तो नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ चल। अगर आज तुम इन लोगों के साथ चली गई ना, तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा इस घर के किसी भी मेंबर और मेरे साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आज तक मेरी और मेरे बेटे की तरह इन घर वालों ने कभी तेरी भी कदर नहीं जानी दिव्या, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू खुद भी अपनी कदर नहीं जानती। चल दीपक। दीपक प्लीज एक बार फिर से सोच ले, देख सबको जरूरत है तेरी, प्लीज समझा कर बात। दीपक, दीपक। सर जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने कितनी सारी परीक्षाएं पार की है ना, ये भी पार हो जाएंगी, साथ मिलकर पार करेंगी। माता रानी पर भरोसा है ना आपको? वो सब कर देंगे, बस उन पर से ना ना भरोसा मत टूटने दें। मुझे नहीं पता मेरे परिवार के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन एक बात ना कान खोल कर सुन लेना, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जो मेरे परिवार का है उसे मैं हासिल कर कर रहूंगी। जब आपके सामने वाला खिलाड़ी भी आपके लेवल का होना, तब खेल खेलने में बहुत मजा आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये खेल में बहुत मजा आने वाला है दालचीनी। सो बी रेडी, लेट्स हैव सम फन। रुक जा पुत्र, और सुन तो सही। देख देख देख, लगी ना, जो खड़ा हो। चोट लगी तो नहीं कहीं पे?
पेशेंट का हार्ट रेट 160 हो रहा है। जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ। क्विक। ओके डॉक्टर। डॉक्टर। कैसे पापा जी? देखिए उनके लंग कलैप्स हो गए हैं। ऑक्सीजन के बिना उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें फौरन उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। खर्चा लगेगा इसका? यही कुछ 10 लाख। चाचू वो घर पे मेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा, प्लीज जल्दी से यहाँ का पेमेंट कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है तेज, इस आदमी ने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स और एसेट्स फ्रीज कर दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा बेटा, अब हम दालचीनी के बिन बल घर रह रहे। अरे एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? प्लीज मेरे डैड को यहाँ पर मेरी जरूरत है, मुझे पैसों का इंतजाम करना है, प्लीज प्लीज छोड़िए। लालचीनी पुत्र इधर। हाँ हाँ माँ। इसे जाकर भेज दे। नहीं माँ, ये मंगलसूत्र है आपका, ये मैं नहीं कर सकती। आप जब मेरा सुहाग ही नहीं बचेगा तो मैं अपने सुहाग की निशानी रख के क्या करूंगी बेटा? इसे बेचकर जो भी मिले वो यहाँ पे ले आना। परम सुंदरी जी, मुझसे ना आपकी तड़प देख ही नहीं जा रही। मैं ना इमोशनल हो गया, मेरा मेरा दिल से अंदर मन कर रहा है कि मैं आपकी मदद करूं और मैं आपके पति को जाके बचा लूं। हाँ। तो आप नौकर बनने के लिए तैयार हैं?